दिल में बसाओ उसे, रहती है वो दूर कहीं, यादों में सजाओ उसे, चली गई तुझे छोड़ के वो, ऐसा वजूद नहीं उसका, जन्नत में है वो, दुआएं हिफाजत है उसे। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में बाल फिल्म उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कलाकार, बात करने के लिए इनसे जानेंगे जो ये आए हुए हैं इस महोत्सव में क्या कुछ खास लेकर आए हैं। सबसे पहले तो राय जानना चाहेंगे जो बाल फिल्म उत्सव स्कूल की ओर से हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे करीब 500 से ऊपर फिल्में हैं जो कि यहाँ दिखाई जाएंगी, पूरे दुनिया भर की फिल्में, छोटी छोटी बच्चों की फिल्में हैं जो कि बच्चों को प्रेरित करेंगे, उनको जीवन में किस तरह से अपना कुशल मंगल तरीके से अपना जीवन यापन करें, जीवन में क्या 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 ऐसे ऐसे मोमेंट्स वाली चीज़ें हैं जो कि मतलब उनको देख के अच्छा लगेगा, है ना। बहुत इमोशनल फिल्में भी हैं। तो ये एक शिक्षण संस्थान ने इस तरह का आयोजन किया है जो कि बहुत ही मतलब उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। सर, आप लखनऊ आए हैं और ये CMS के प्रोग्राम में हैं, तो क्या क्या खास लेकर आए हैं? मैं क्या खास लेके आऊँगा? तो मैसेज देना चाहेंगे बाल फिल्मों के लिए। ये तो मैंने दे दिया बाल फिल्मों के लिए कि मतलब कि बाल फिल्में बननी भी चाहिए और दूसरा ये है कि वो सामने आनी चाहिए लोगों को, और ख़ासतौर से बच्चे जो हैं कि पिक्चरें देख नहीं पाते हैं। हमारे ज़माने में तो इनका मना कर दिया जाता था, अब आज के टाइम में जब इन बच्चों को फिल्म देखने का मौका मिल रहा है, ये सौभाग्यशाली है कि इनको इकट्ठा करके करीब करीब समझो कि 70,000 बच्चों को फिल्म दिखाई जाएगी टोटल मिला करके इन 7 दिनों में। तो है बढ़िया काम इस स्कूल की तरफ से हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चे आजकल मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा भागते हैं, मोबाइल और ऐसी चीज़ है सर, उससे लोग बर्बाद भी होते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अब मोबाइल का कुछ नहीं कर सकते भाई, वो तो कलेजे का टुकड़ा हो चुका है, और मोबाइल तो अभी हो सकता है दिल की जगह डॉक्टर जो है मोबाइल लगाना शुरू कर दें, उसी में दिल लगा देंगे। OTT प्लेटफॉर्म को लेकर क्या राय है? OTT प्लेटफॉर्म के लिए मैं वही बोलना चाहता हूँ और हमेशा से बोलता रहा हूँ, आज भी मेरा एक राइटअप छपा है कि मैं चाहता हूँ कि उसमें भी सेंसर लगे। ये जो बेवजह की गालियाँ हैं और ये बेवजह का जो सेक्स फीडिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं और उनको जो है इस तरीके से दिखाया जाता है बहुत ही नकारात्मक तरीके से, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कि उन पर कंट्रोल लगे, उन पर भी सेंसर लगे, जिससे कि क्या है कि सारी की सारी चीज़ें जो थोड़ा कंट्रोल में रहें, लोग परिवार के साथ फिल्में देखें। समझ में आता है कि मतलब एक पति पत्नी जो है न्यू मैरिड कपल जो है आ रहा है, शादी करके आया है, उसके आगे क्या होगा, उसको इतना बड़ा चढ़ा चकर के इतना रूप श्रृंगार करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट है क्वेश्चन कि जिस तरह से जो हमारी नई पीढ़ी है, जो कलाकार जो जाना चाहते हैं बच्चे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो क्या उनका सबसे मतलब जो पहली जो सीढ़ी होती है वो ड्रामा होता है, थिएटर होता है? हाँ, थिएटर करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि थिएटर जो है वो डिसिप्लिन देता है और आपके अंदर एक हौसला बढ़ाता है, है ना, कॉन्फिडेंस गेन कराता है थिएटर, सबसे बड़ी बात यह है। जब आप यहाँ से निकलो के जब कैमरे के सामने जाओगे तो कैमरा अपने आप में लोगों को बिल्कुल संकुचित कर देता है, झिझक आने लगती है, लेकिन जिसने ये सब कुछ किया होगा तो मुझे उम्मीद है कि उसमें थोड़ी कम आएगी। जिस तरह से आप ये बाल फिल्म उत्सव में आए हुए हैं और आप भी जो है बाल फिल्म कर चुके हैं, कलाकार रह चुके हैं, आप बड़े हो गए लेकिन रह चुके हैं, तो कैसा कैसा रहेगा, मतलब कि एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? वैसे तो मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, बचपन से मैं काम करता आया हूँ, और मैं सच कहूँ तो मेरा कोई इसके तरफ ये नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा पसंद था एक्टिंग और फिर उन्हें एक रास्ता मिला कि हाँ शायद मेरा बेटा भी कर सकता है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया है बचपन से, मेरे पीछे उन्हीं का हाथ रहा है हमेशा, और आज भी मैं यही कहूँगा कि मेरे पीछे मेरे डैड का बहुत बड़ा हाथ है, वो मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं। मेरे 14-15 ईयर्स ऑफ लाइफ में इन करियर ऑफ माई एक्टिंग उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे टीचर भी वही हैं सबसे पहले टीचर, तो मैंने मेरे डैड से काफ़ी कुछ सीखा है इस चीज़ में, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं हर बार नए प्रोजेक्ट्स को नए तरीके से अप्रोच करता हूँ, और एक चीज़ है कि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को उसे सबसे मैं जज नहीं करता हूँ, ऑफकोर्स एक्टिंग का जो एक्सपीरियंस होता है उसे यूज़ करता हूँ, बट कभी भी आने वाले प्रोजेक्ट को हमें पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो यही है ऐसा। अगर देखा जाए कि अगर बॉलीवुड में आपने काम किया है और टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, लेकिन अगर हम बात करें नेपोटिज्म की, बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या इस पर करेंगे आप बॉलीवुड में नेपोटिज्म ज़्यादा होता है तो क्या करेंगे?
नेपोटिज्म के बारे में तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि शायद जिसका जो हक है उसे वो मिलना चाहिए। नेपोटिज्म इज़ नॉट अ बैड थिंग, जब हम कुछ करेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें छोड़ेंगे, तो वो उसी तरह से होता है। बट बर्षत से हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हम अपने बच्चों को पास ऑन कर रहे हैं वो डिज़र्विंग हो। अगर वो डिज़र्विंग है तो नेपोटिज्म इज़ नॉट रॉन्ग, बट अगर वो डिज़र्विंग नहीं है लेकिन फिर भी उस चीज़ को खींचा जा रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं जो हमारे जैसे यंगस्टर्स हैं, जो भी न्यू कमर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं स्कोप कम हो रहा है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है, तो शायद उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और नेपोटिज्म को सपोर्ट, या मैं बहुत ज़्यादा बायस्ड आंसर तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ इसी तरह से होना चाहिए। अगर वो डिज़र्विंग है तो उन्हें मिलना चाहिए। नेपोटिज्म इज़ नॉट रॉन्ग इफ़ दे आर डिज़र्विंग, बट इट इज़ इफ़ They are not deserving. क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, जैसे अगर आप बताएं कि जी आप भी जो है बाल कलाकार हैं, उसके बाद में आपने अभी बॉलीवुड में भी काम किया है, हॉलीवुड में भी किया है, तो कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा, कैसी चुनौतियां आपके सामने, कितना चैलेंजिंग रहा जो स्टार्टिंग में आपका? आपसे अलग अलग एक्सपीरियंस होता है और अलग अलग चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैं सीरियल्स करता था तो उसमें चैलेंजेस ये होते हैं कि हमें ऑन द स्पॉट लाइंस मिलते हैं, ऑन द स्पॉट हमें उस पर वर्क करना होता है, ये चैलेंजेस होते हैं। और फिर कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगर मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है तो वो मेरे लिए एक चैलेंज हो गया। बट उसी तरह से मूवी में वो चीज़ें सेम नहीं होती है। मूवी में हमें, हमारे पास एक प्री प्लान शेड्यूल होता है और हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं फिजिकली से ज़्यादा। तो जब एक आदमी मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है तो वो और अच्छे से वर्क कर पाता है। तो मूवी और सीरियल्स में ये डिफरेंस रहा है जो मुझे फील होता है कि हमें ऑन द स्पॉट से ज़्यादा प्री प्लानिंग का टाइम मिलता है और उस तरह से हमारा काम और अच्छा हो पाता है। मूवीज आने वाली फिल्म के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक रोमांटिक और एक लव ट्रायंगल फिल्म देखने वाले हैं, एक आशिक की ऐसी भी, जिसमें मैं हीरो प्ले कर रहा हूं, मेरा डेब्यू फिल्म है, और सुहानी सरीन जो को एक्ट्रेस है मेरी, वो फीमेल लीड प्ले कर रही है, वो हीरोइन प्ले कर रही है। तो मैं यही चाहूंगा कि ये मूवी को आप एंजॉय कीजिए, जब भी ये रिलीज होगी आप बहुत सारा प्यार दीजिए और हमें बस सपोर्ट करते रहिए। हम आगे और भी ऐसी प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे और आपको एंटरटेन करते रहेंगे। इसमें हर, इस मूवी के हर एक पहलू में चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें एक प्यार के बारे में बताया गया है, इसमें माँ का प्यार है, इसमें ये बताया गया है कि सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए। इसमें वो सारे पहलू कवर किए गए हैं जो एक मूवी में करे जाने चाहिए, और एक इंसान के अंदर जो सारी चीज़ें होती हैं उसको सामने रूबरू कराया गया है। तो आई होप कि ये मूवी सबको पसंद आए, बिकॉज बहुत सारे लेसन्स हैं विद लॉट ऑफ फन, तो आप लोग भी ज़रूर देखने जाइएगा। सो या थैंक यू सो मच। मूवी है, क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि पहली मूवी में मेरा डेब्यू होने जा रहा है, तो इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस, और बहुत सारी मस्ती करी, और मैं बहुत फन गोइंग एक्सट्रोवर्ट लड़की हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करी, सीखा मैंने लोगों से, और आई होप कि वो आपको स्क्रीन पे भी दिखे और आप लोग मुझे प्यार करें हमेशा। थैंक यू। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।